भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदास शर्मा के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अभद्र टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्थानीय फव्वारा चौक में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी उपस्थित हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कमलनाथ अपने पद की गरिमा और मर्यादा भूलकर संस्कार विहीन हो गए हैं। उम्र के साथ इनकी याददाश्त भी कम हो गई है, क्योंकि ये मंच पर नेताओं के नाम भी भूल जाते हैं। विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव, विजय झांझरी, दौलत सिंह और माहिल सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कहें उसका हम लोग विरोध करते हैं। और कमलनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, आप अगर चाहते हैं तो हम युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता तय कर देते जो आपको ट्यूशन देगा और अच्छे से बोलना सिखाएगा, राजनीति में कैसी भाषा का उपयोग होना चाहिए वो बोलना सिखाएगा। क्योंकि आप जिस सीढ़ी को चढ़ते हुए यहाँ सांसद बने और छिंदवाड़े की जनता को लूटा है आपने, वो सोचते हैं कि अन्य राजनीतिक दल भी वैसे ही होंगे। गांधी परिवार के अनैतिक कार्यों को सहयोग देते हुए, उनकी तलवा चाटते हुए आप यहाँ तक पहुँचे और छिंदवाड़े की जनता को 40 साल आपने मूर्ख बनाए हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी एक जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन में संघर्ष करते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हम उनकी बहुत निंदा करते हैं और कमलनाथ जी का यहाँ पुतला जलाया है, आगे ऐसी दोबारा ना हो इसकी चुनौती कमलनाथ जी को देते हैं। छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शक्रवार की रिपोर्ट।